सो द क्वेश्चन वी हैव इज अ ट्वेंटी मीटर डीप वेल विद डायमीटर सेवन मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इट इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म ट्वेंटी टू मीटर बाय फोर्टीन मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म यानि कि एक तरह से ट्वेंटी टू मीटर सॉइल यहाँ पर डग करा गया एक किसी भी एक सरफेस पे से उसे निकाल के इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया इस प्लेटफॉर्म का जो एक तरह से हमें जो डायमेंशन है वो गिवन है ये कहा गया कि इसकी लेंथ जो है दैट इज़ लेंथ यहाँ पर गिवन है 22 मीटर नेक्स्ट ब्रेथ गिवन है यहाँ पर 14 मीटर नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर हाइट क्या होगी तो और क्या गिवन है हमें जो जहाँ से ये जो सॉयल डग आउट करके निकाला गया है उसकी भी कुछ डायमेंशनस गिवन है लाइक like ये गिवन है कि वो सिलेंड्रिकल शेप जो था उसकी डायमीटर है सेवन तो रेडियस हो जाएगी सेवन अपॉन टू मीटर नेक्स्ट उसकी हाइट जो है डेप्थ uh, एक तरह से क्वेश्चन में गिवन है तो सिलेंडर की जो हाइट है इस अकॉर्डिंग ये है लाइक like दिस और ये है ट्वेंटी मीटर तो अगर हम देखें तो एक तरह से सिलेंडर को चेंज करके इस क्यूबॉयड में कन्वर्ट करा गया है तो सिंपली यहाँ पर वॉल्यूम जो है इन दोनों की होगी इक्वल। दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो इक्वल होगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉयड के और दोनों की वॉल्यूम्स की वैल्यूज़ हमें पता है एक तरह से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आती है तो वॉल्यूम ऑफ़ सिलेंडर यहाँ पर अगर हम देखें तो वो होती है पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ़ क्यूबॉयड अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ़ क्यूबॉइड होती है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर हम कैपिटल एच यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दोनों में हाइट है तो अलग अलग दिखनी चाहिए नेक्स्ट पता क्या क्या हमें यहाँ पर सारी चीज़ें ऑफ़ कोर्स ऑलमोस्ट हमें पता है दैट इज़ पाई की वैल्यू तो पता ही होती है नेक्स्ट आर रेडियस पता है हाइट पता है सिलेंडर की लेंथ ब्रैथ पता है बस ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी है तो एक चीज़ अननोन भी होनी चाहिए तो यही चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं सिंपली बस अब वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी टू अपॉन सेवन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस दैट इज सेवन अपॉन टू का सेवन अपॉन टू यानी कि स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट जो कि है ट्वेंटी एक ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ फोटीन मल्टीप्लाइड बाई हाइट दैट इज़ कैपिटल एच जो हमने माना है दैट इज कैपिटल एच तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कट हो जाएंगी लाइक like एक सेवन से एक सेवन यहाँ कट हो जाएगा एक टू को ट्वेंटी टू से कट करके ऊपर एलेवन लिख देंगे एक टू को ट्वेंटी से कट करके ऊपर एलेवन लिख देंगे सॉरी टेन लिख देंगे नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपोजिट साइड भी कुछ चीज़ें कट हो सकती हैं लाइक like, इस एलेवन से ये ट्वेंटी टू कट हो सकता है तो यहाँ टू आ जाएगा साथ ही साथ एक और चीज़ कट हो सकती है लाइक like, यहाँ पर हम टेन को कट कर सकते हैं टू से तो यहाँ फाइव आ जाएगा तो लेफ़्ट साइड हमारे पास आ जाएगा सेवन मल्टीप्लाइड बाई फाइव और राइट right साइड हमारे पास आ जाएगा 14 कैपिटल एच नेक्स्ट ये आ जाएगा यहाँ से हाइट जो है वो इक्वल हो जाएगी थर्टी फाइव अपॉन फोटीन मीटर और यहाँ से अब ये दोबारा कट हो सकते हैं लाइक सेवन फाइव ज़ा सेवन टू और हाइट यहाँ से इक्वल आ जाएगी फ़ाइव अपॉन टू दैट इज़ टू पॉइंट फाइव मीटर के सो so, जब यहाँ पर इसे कन्वर्ट करा गया दैट इज़ एक तरह से सॉइल को डग आउट करके उससे प्लेटफॉर्म बनाया गया तो प्लेटफॉर्म की जो भी डायमेंशंस थी उसके अकॉर्डिंग जो हमने हाइट कैलकुलेट करी वो आई यहाँ से टू पॉइंट फाइव मीटर्स